तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आऊँ माइनक्राफ्ट के लिए टॉप 3 सीडर्स, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। तो गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और गाइस प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, स्किप मत करना। तो चलो यार, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में जो थर्ड नंबर पर सीडर है उसका नाम है ईवो सीडर। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो ये सीडर देखने में कैसा लगता है। तो गाइस, ये काफ़ी अच्छा लगता है सीडर, और यहाँ पे आप लोगों को मैं पानी भी दिखा देता हूँ कैसा लगता है। तो देखने में ऊपर से थोड़ा ऐसा लगता है, अगर आप इसे अंदर से देखोगे तो ये थोड़ा ब्लूइश इफेक्ट टाइप का लगता है देखने में। तो देख सकते हो ये सीडर वैसे काफ़ी ब्राइट है। तो एक मैं आपको रात करके दिखाता हूँ कि ये कैसा लगता है रात में सीडर। और उससे पहले आप लोग यहाँ सन को देख लो, सन भी बहुत अच्छा लगता है देखने में, और क्लाउड्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, और सीडर वैसे बहुत ब्राइट है। तो एक डेजर्ट में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे सैंड भी बहुत ज़्यादा ब्राइट है सैंड। तो ये देखो बहुत ज़्यादा ब्राइट है यहाँ पर। तो गाइस, आप लोग कमेंट जाना आप लोग को ये सीडर कैसा लगा, और चलो आप लोग को एक बार नाइट करके भी मैं दिखा देता हूँ कैसा लगता है नाइट में। तो गाइस, नाइट में ये सीडर बेसिकली इस तरीके का लगता है। तो आप लोग देख सकते हो नाइट में भी काफ़ी अच्छा लगता है, और गाइस यहाँ जो रात में ब्राइटनेस आप लोगों को देखने मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ देख सकते हो थोड़ा ऑरेंज टाइप का इफेक्ट मिलता है ब्राइटनेस में। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पर लालटेन बहुत सारा लगाया हुआ है, और यहाँ पे आप लोग को इफेक्ट दिख ही रहा होगा किस तरीके का इसका डिज़ाइन है। रात में भी आप लोग को काफ़ी अच्छा लगता है, और ये देख सकते हो यहाँ पर मून कैसा है, और यहाँ पे तारा जो स्टार्स हैं वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर। वैसे बढ़ते हैं नेक्स्ट सीडर की तरफ, और हो सकता है कि वो सीडर इससे भी ज़्यादा अच्छा निकले। वैसे हमारी लिस्ट में जो सेकंड नंबर पर सीडर है, तो वैसे इसका नाम है ESTN सीडर। तो वैसे ये सीडर बेसिकली बहुत अच्छा लगता है देखने में। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा इसका ब्राइटनेस है, और फिर आप लोग क्लाउड पर नजर मार रखो, क्लाउड भी इसका बहुत अच्छा और ब्राइट दिखने में लगता है। और एक मैं आपको सन दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सन आपको दिख रहा होगा। ये उतना सर्कल शेप का नहीं है, लेकिन इसका आप देख सकते हो बॉर्डर में थोड़ा सा क्यूब शेप हो गया है, थोड़ा सा राउंड शेप टाइप का। तो ये सीडर का ब्राइटनेस बहुत अच्छा है। और फिर मैं आपको दिखा देता हूँ अगर पानी के अंदर से आप लोग देखने में कैसा लगता है। देख सकते हो वाटर थोड़ा सा देखने में ऐसा लगता है, और थोड़ा बड़ा एरिया में आपको एक जाकर दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर थोड़ा सर्कल एरिया टाइप का वाटर आप लोग देखने मिलता है, ऊपर से बहुत अच्छा लगता है ये वाटर, और नीचे से एक बार दिखाता हूँ। तो यार देख सकते हो नीचे से भी बहुत अच्छा लग रहा है ये सीडर। तो वाटर से बहुत अंदर से भी बहुत अच्छा लगता है, देख सकते हो कितना। और तो मैं आप लोग को एक रात करके भी दिखा दूँगा किस तरीके का देखने में लगता है, और सैंड का ही ब्राइटनेस देख लो बहुत अच्छा लगता है, और इसमें आपको शैडो भी मिल जाता है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोग को शैडो भी देखने मिल जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा तरीका आप लोग को शैडो देखने में मिल रहा है, और यहाँ पर मेरा शैडो भी बन रहा होगा। तो इसमें प्लेयर का भी शैडो नहीं बन रहा है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे कॉल्ड्रॉन का भी शैडो बन रहा है थोड़ा इस टाइप का देखने में लगता है। और ये सेट इससे पिछले वाले सेट से भी बहुत अच्छा है, तो देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। मैं आपको रात का देख दिखा देता हूँ रात में ये सेटर कैसा लगता है देखने में। तो गाइस नाइट में सेटर कुछ ऐसा देखने में लगता है, देख सकते हो नाइट में बहुत अच्छा लगता है, और ज़्यादा डार्कनेस फील भी नहीं आता आप लोग को, और देख सकते हो ब्राइटनेस भी इसका बहुत अच्छा है। तो ये देखो बहुत अच्छा इसका ब्राइटनेस आप लोग को मिल जाता है, और फिर रात में आप लोग क्लाउड थोड़ा इस ब्लू स्टेप का इफेक्ट में देखने मिलता है, और मून आप लोग देख सकते हो ये भी वैसे ही क्यूब शेप में थोड़ा सा आप लोग देखने मिलता है, और साइड साइड में इसमें थोड़ा सा राउंड शेप रहता है। देख सकते हो ये सन है पूरा क्लाउड के पीछे छुप चुका है। तो ये सेट भी आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग इसे एक बार डाउनलोड करके ट्राई जरूर करना। तो गाइस बिना किसी तरीके बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटर की ओर, हो सकता है कि वो सेटर इससे भी अच्छा निकले। तो गाइस हमारा फर्स्ट नंबर पर जो सेटर आता है उसका नाम है स्काईलेक्स सेटर वर्जन 2.7। तो गाइस आप लोग देख के पता चल गया होगा मैंने इस सेटर को टॉप नंबर पे क्यों रखा है। देख सकते हो गाइस ये सेटर आप लोग को बहुत अच्छा मिल जाता है, बाकी दो जो सेटर मैंने आपको दिखाया उससे काफ़ी अच्छा मिल जाता है, और इसमें वाटर का भी इफेक्ट देख सकते हो कितना अच्छा एकदम फ्लोइंग टाइप का वाटर दिखाई देता है, और साउंड भी आप लोग को आ रहा होगा। तो एक अंदर से भी दिखा देता हूँ गाइस, देखो अंदर थोड़ा रेड टाइप का इफेक्ट आ रहा है, अंदर से बहुत अच्छा मिल जाता है आप लोग को इफेक्ट। तो एक बार आप लोग क्लाउड पर नज़र मारोगे गाइस, क्लाउड आपको इसमें क्यूब क्यूब टाइप का देखने में मिलता है, काफ़ी अच्छा मिलता है, और सन भी आप लोग देख सकते हो ये वैसे क्यूब शेप का है, लेकिन ये थोड़ा सा इसका एंगल चेंज हो चुका है, थोड़ा अलग शेप में ये डाला हुआ है। तो एक बार आप लोग देख सकते हो यहाँ कितना अच्छा ब्राइटनेस मिल जाता है, और थोड़ा दूर में आप देखोगे तो दूर के अंदर आप लोग को थोड़ा थोड़ा ब्लू टाइप का इफेक्ट दिख रहा होगा, तो इस शेडर में वही बहुत अच्छा बात है। और देखो यहाँ पर वाटर कितना अच्छा इसका फ्लो लग रहा है देखने में। तो वैसे मैं आपको रात करके दिखा देता हूँ रात में ये शेडर दिखने में किस तरीके का लगता है। तो गाइस रात करते हैं बेसिकली ये सेटर कुछ इस टाइप का देखने में लगता है, रात में भी बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा डार्कनेस आप लोग को मिल जाएगा लेकिन तभी भी आप लोग को बहुत अच्छा मिल जाता है।
आप लोग ब्राइटनेस दिखाता हूँ, ये देखो ब्राइटनेस भी आप लोग को बहुत अच्छा मिल जाता है इसमें, तो देख सकते हैं आप ब्राइटनेस बहुत अच्छा है। और रात में पानी में एकदम फ्लो आपको दिखाई देता है और मून का रिफ्लेक्शन ही आप लोग को दिखाई दे रहा है वाटर में, देख सकते हो। और रात में क्लाउड तो वैसे आपको उतना दिखेगा नहीं, स्टार्स देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, और थोड़ा मून आपको क्लाउड दिख रहा होगा। और मून देखो गाइस, मून रात में बहुत अच्छा लगता है, और दूर की तरफ तो आप लोग को ब्लू वाला इफेक्ट देखने मिलता है। तो गाइस आप लोग कमेंट बताना आप लोग को ये नंबर वन वाला शटर कैसा लगा। तो गाइस मुझे जिस तरीके से जो शटर अच्छा लगा मैंने उसे उस तरीके से अरेंज किया है, फर्स्ट नंबर मैंने इसे इसलिए डाला है जो आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छा है ये शटर बाकी दो शटर के मुकाबले। तो गाइस आप लोग कमेंट बताना आप लोग को दिन से कौन सा शटर अच्छा लगा। और गाइस मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये फर्स्ट नंबर वाला शटर डाउनलोड कर लो, और दूसरा बाकी भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ये सबसे अच्छा लगा। तो गाइस होपफुली आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।